मैं हूं मनन गोस्वामी और आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज़। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बताएंगे रक्षाबंधन का त्यौहार, राखी का महत्व और इतिहास के बारे में। रक्षाबंधन के त्यौहार को भाई बहन के पवित्र रिश्ते के मजबूत एवं प्रेम पूर्ण आधार का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस पर्व का अपना एक अलग ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय महत्व है। दोस्तों इस दिन बहन अपने भाई को कलाई पर रेशम का धागा बांधकर उसको दीर्घायु जीवन एवं सुरक्षा की कामना करती है। वहीं बहन के इस स्नेह से बंधकर भाई उसकी रक्षा के लिए कृत संकल्पित होता है। राखी देश की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, धर्म की रक्षा, हितों की रक्षा आदि के लिए भी बांधी जाती है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस महान आस्था के पर्व रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई और इसके महत्व के परिणाम क्या है। ऐसी मान्यता है कि श्रावणी पूर्णिमा यानी संक्रांति तिथि को राखी बांधने से बुरे ग्रह कटते हैं। श्रावण की अधिराष्टि देवी द्वारा ग्रह दृष्टि निवारण के लिए महर्षि दुर्वासा ने रक्षाबंधन पर्व का विधान किया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवों एवं दैत्यों में 12 वर्ष तक युद्ध रोक देने का निश्चय किया गया, किंतु इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने अपने पति की रक्षा के लिए उनके हाथ में वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित रक्षा सूत्र बांधा। इसके बाद इंद्र के साथ सभी देवता विजयी हुए। तभी से इस पर्व को रक्षा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इतिहास की माने तो राखी के पर्व के अनेक उल्लेख मिलते हैं, जिसमें मेवाड़ की महारानी कर्मावती ने मुगल राजा हुमायूं को राखी भेजकर क्षमा याचना की थी। हुमायूं ने भी राखी की लाज रखी थी। सिकंदर की पत्नी ने पति के हिंदू शत्रु पुरुष को राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया था और युद्ध के समय सिकंदर को ना मारने का वचन लिया था। पुरु ने युद्ध के दौरान हाथ में बंधी राखी का और अपनी बहन को दिए हुए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया था। इसी राखी के लिए महाराजा राज सिंह ने रूपनगर की राजकुमारी का उद्धार कर औरंगजेब के छक्के छुड़ाए थे। महाभारत में भी विभिन्न प्रसंग रक्षाबंधन के पर्व के संबंध में लिखित मिलता है। दोस्तों जैन परंपरा में भी रक्षाबंधन पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन जैन मंदिरों में श्रावक श्राविकाएं धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए संकल्प पूर्वक रक्षा सूत्र बांधते हैं और रक्षाबंधन पूजन भी करते हैं। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पर्व पर बंग भंग के विरोध में जन जागरण किया था और इस पर्व को एकता और भाईचारे का प्रतीक मानते हुए रक्षा सूत्र को सम्मान और आस्था का प्रकट करने के लिए बांधा था। रक्षाबंधन का महत्व आज के परिप्रेक्ष्य में इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आज मूल्यों के ह्रास होने के कारण सामाजिकता मिटती जा रही है और प्रेम व सम्मान की भावनाओं में भारी कमी दिखाई दे रही है। यह पर्व आत्मीय बंधन को मजबूती प्रदान करने के लिए साथ साथ हमारे भीतर सामाजिक और विकास भी करता है। इतना ही नहीं, यह त्यौहार परिवार, समाज, देश और विश्व के प्रति अपने कर्तव्य के प्रति हमारी जागरूकता को बढ़ावा देता है। राखी पूर्णिमा को कजरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग बागवती देवी की पूजा करते हैं। रक्षाबंधन को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे विष तारक यानी विष को नष्ट करने वाला, पुण्य प्रदायक यानी पुण्य देने वाला। वर्ष 2019 के रक्षाबंधन का महत्व विशेष इसलिए हो गया है कि इस साल श्रावण पूर्णिमा 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस तथा गुरुवार दिन होने के कारण
अपना विशेष महत्व रखता है। इस वर्ष रक्षाबंधन के दिन भद्रा भी नहीं है और ना ही किसी प्रकार का कोई ग्रहण है। इस वजह से इस वर्ष का रक्षाबंधन शुभ संयोग लिए सौभाग्यशाली भी माना जा रहा है। कहा जाता है कि भद्रा में बहने भाइयों को राखी नहीं बांधते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण की बहन ने भद्रा में ही उसे रक्षा सूत्र बांधा था, जिससे रावण का सर्वनाश हो गया था। इस बार राखी बांधने का मुहूर्त काफ़ी अच्छा है। बहनें सूर्योदय से सूर्यास्त तक भाइयों को राखी बांध सकती हैं। पूर्णिमा की तिथि 14 अगस्त को 3:45 से प्रारंभ होकर 15 अगस्त को संध्या 6 बजे तक रहेगी, जिस कारण इस साल पूरे दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक बहने अपने भाइयों को राखी बांध सकती है। तो दोस्तों, आपने जाना राखी के महत्व, और इस बार 2019 में राखी खास क्यों है, हमें क्यों मनानी चाहिए, हम लोग क्यों मनाते हैं। मुझे आशा है आज की वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो अपने मित्रों में, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को रक्षाबंधन 15 अगस्त की अग्रिम ढेरों सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।